कोई विशेष लड़ाई नहीं है साथियों। आप बता दीजिए 2014 में कौन एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत गया, आप बता दीजिए 2019 में कौन एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत गया। हाँ, आप कुछ वोट ला सकते हैं और आप चुनाव किसी को हरा सकते हैं, लेकिन चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। आपका फर्ज क्या बनता है कि जो जीत रहा है, जो आपका विचारधारा है, उसको जिताइए, ना ही कि उसको हराने का काम कीजिए। अरे मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे को, भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें कोई चावल नहीं चाहिए। राजस्थान में मोदी जी ने एक बयान दिया, वो बयान क्या दिए, उन्होंने कहा कि इससे पहले का जो सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन जी की सरकार था, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश के संपत्ति जितना भी है उसमें एक ही वर्ग का मुसलमान भाई का हक है, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा। मोदी जी, आप देश का प्रधानमंत्री है भाई, 140 करोड़ का माई बाप है, और आप देश के जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए कि मनमोहन जी की सरकार कभी देश में कभी ऐसा अगर शब्द बोला होगा तो हम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना देने के लिए तैयार है। आप बता दीजिए, यदि अगर नहीं बोला है तो आप देश का प्रधानमंत्री है, देश के जनता से माफी मांगिए कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, ये जो चुनाव है, ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव आता है, एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और एक बार मुख्यमंत्री को चुनने का, लेकिन ये चुनाव जो है साथियों बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये देश जो है इस पे कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहता है, जैसे हमारे देश में अंग्रेज आया, धीरे धीरे हमारे देश को कब्जा कर लिया, हमको गुलाम बना दिया, उसी तरीके से कुछ लोग इस देश को कब्जा करना चाह रहा है। ये देश साथियों गुलाम था, इस देश पे अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, और हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा, इसलिए लड़ाई लड़ा कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, और लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए, उस संविधान में हमें एक लोकतंत्र दिया, तो संविधान ने दिया साथियों। आज बड़े से बड़े लोगों के सामने में अगर हम सर उठा के जी के बोलते हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है, नहीं तो पहले आजादी से पहले तो इंसान को जानवर जैसे लोग जानते थे, उनके बराबरी में नहीं बैठने देते थे, हमारे हाथ से एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे, हमको अछूत समझते थे, ऐसी व्यवस्था था साथियों। लेकिन ये सब बदलाव कैसे हुआ, ये संविधान के दिए हुए ताकत से ये सारे बदलाव हुआ। आज कोई किसी को जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकता, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन पहले ऐसा हुआ था साथियों। उसी तरीके से साथियों लड़ाई है, देश हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में मोदी जी आए और आपको हमको एक झूठा सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, आपको हमको लगा शायद इससे अच्छा दिन आएगा। उन्होंने आपको कहा, देश के युवा से कहा कि करोड़ों युवा बेरोजगार है, हमको लाइए, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश से बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश चला गया है, हमको लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए और विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के घर में बैठे बैठे हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, किसान की आय को दुगुनी करेंगे, देश में जितने भी गरीब है उसको पक्का मकान बनाएंगे, तमाम ऐसे वादा किए। हमको लगा सही में ये मोदी जी आएंगे कुछ करेंगे, और हम लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। अब भरोसा करने का हाल यह है कि आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, और जब नौकरी नहीं मिलता, घर में इज्जत नहीं मिलता, उसका शादी नहीं होता, वो 35 साल 40 साल तक भटकता है, कहता है कि पहले शादी कर लेंगे तब अच्छे घर में शादी होगा, आज उसका शादी नहीं हो रहा, हमारे किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। साथियों, हमारा देश का काला धन तो का देश में आया नहीं, बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश भाग गया, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति देश को छोड़कर चले गए और अपने आप को कहते कि हम चौकीदार है। साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। आज मोदी जी से मुझे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मोदी जी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मुझे दुश्मन मानता है, हम तो
विपक्ष है। हम तो सरकार को यही कहते हैं कि सर आपने जो 2014 में जो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हुआ? किसको आपने नौकरी दिया वो बताइए। लेकिन वो मानते हैं कि हम उनके दुश्मन है। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपने कहा था आप वह पूरा नहीं कर रहे, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो साथियों, आज मोदी जी क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कल ही झारखंड राजस्थान में मोदी जी ने एक बयान दिया, वो बयान क्या दिए, उन्होंने कहा कि इससे पहले का जो सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन जी की सरकार था, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश के संपत्ति जितना भी है उसमें एक ही वर्ग का मुसलमान भाई का हक है, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा। मोदी जी, आप देश का प्रधानमंत्री है भाई, 140 करोड़ का माई बाप है, और आप देश के जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए कि मनमोहन जी की सरकार कभी देश में कभी ऐसा अगर शब्द बोला होगा तो हम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना देने के लिए तैयार है। आप बता दीजिए क्या ये कभी ऐसा बोला है? यदि अगर नहीं बोला है तो आप देश का प्रधानमंत्री है, देश के जनता से माफी मांगिए कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अरे भाई, कोई विधायक मंत्री कुछ बोल दे समझ में आता है? आप देश का प्रधानमंत्री है भाई, आपका गरिमा है। आज हम देश में कहे हमारा भी आप प्रधानमंत्री है, भले हम विपक्ष में है लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आप ही है। तो इसलिए साथियों, ये देश का प्रधानमंत्री जो है झूठ बोलते हैं, ये देश को खत्म करना चाहता है संविधान को। फिर वो चाहता है कि देश के गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोग जो सर उठा के जी रहा है उसको गुलाम बनाए, ये नहीं चाहता कि गरीब का बेटा भी सर उठा के जिए। आप सबको पता होगा 2020 में हम संघर्ष करके हमने 4 विधायक बनाया और 4 विधायक को उन्होंने अपने में मिला लिया, खरीद लिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हमने सरकार बनाया था, अगर हम 2020 में समर्थन नहीं देते नीतीश कुमार जी को तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमने बिहार में मंत्री बना, और जब मंत्री बना तो हम अपने समाज के लोगों के लिए काम कर रहा था, मल्ला के लिए, मछुआरा के लिए काम कर रहा था। देखा एक मल्ला का बेटा मंत्री बन गया है, इसको रोको, अति पिछड़ा का बेटा को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो बहुत आगे चला जाएगा, इसलिए इसको खत्म करो। और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद कर हमें सरकार से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया, इसलिए कि मैं गरीब और पिछड़ा का बेटा हूं। तो इसलिए साथियों, कोई व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। साथियों आप बता दीजिए 2014 में कौन एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत गया? आप बता दीजिए 2019 में कौन एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत गया? हाँ, आप कुछ वोट ला सकते हैं और आप चुनाव किसी को हरा सकते हैं लेकिन चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। और जब चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि जो जीत रहा है, जो आपका विचारधारा है उसको जिताइए, ना ही कि उसको हराने का काम कीजिए। जनता मालिक होता है। ये देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति देके गया साथियों, संविधान देके गया है। इस संविधान में आपके पास इतना ताकत है। अब इस देश में अगर नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए तो 60 साल तक आप नौकरी करिएगा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। लेकिन नेता के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 5 साल का समय दिया साथियों, 5 साल के लिए। इसलिए क्योंकि नेता अगर झूठ बोलेगा तो जनता मालिक है, जनता 5 साल में उसको बदलने का काम करेगा। साथियों, आपके पास वह उंगली में ताकत है कि चुनाव में आपसे जो झूठ बोले, आपको जो गुमराह करे, उनको बदलने का काम कीजिए। साथियों, बदलने का काम कीजिए, कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हर एक व्यक्ति नागरिक आप समझ लीजिए। ये 2 धारा की लड़ाई है, एक धारा जो संविधान को मानते हैं और संविधान को अपना सब कुछ हम मानते हैं, चाहे गीता हो, कुरान हो, हर चीज हम संविधान को मानते हैं, हमारे लिए सर्वोपरि हमारे लिए संविधान है साथियों। तो इसलिए साथियों, संविधान के रक्षा करने के लिए आप लोग आइए, हम लोग आ रहे हैं और गरीब पिछड़ा को आगे अधिकार दिला रहे हैं। साथियों, ये कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा, आप बताइए ना देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज 5 किलो चावल आप देकर लोगों को मोहताज कर दिए, उनको आपने कह दिया कि यही विकास है, और आप गांव में घूम घूम कर कहते हैं कि मोदी जी 5 किलो चावल चाहिए, दे रहे हैं। अरे मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे को, भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें कोई चावल नहीं चाहिए। और चावल भी क्या अपने घर से देते हैं?
ये देश का संपत्ति है, हर एक नागरिक 140 करोड़ नागरिक का हक अधिकार है, सरकार का जो खजाना है हर जाति धर्म का उस खजाना पे अधिकार है, तो आप किसी पे मेहरबानी नहीं करते। और ये कोई पहली बार स्कीम नहीं चल रहा है, ये वर्षों से चलते आ रहा है, कांग्रेस के टाइम से चलते आ रहा है, किरासान तेल से लेकर नमक से लेकर चीनी तक हर चीज सरकार जरूरतमंद को हमेशा देने का काम किया साथियों। लेकिन आप है जो देश के लोगों को खास करके गरीब पिछड़ा को गुमराह कर रहा साथियों। इसलिए साथियों बड़े संख्या में यहाँ पे युवा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखिए इस देश में तीन तरह के लोग हैं। एक वो है अडानी अंबानी, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सिरिंच लगा के आपको खून चूसने का काम करेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो गरीब किसान भाई जो अपनी जिंदगी जीने के लिए कल क्या खाएगा उसके लिए वो परेशान रहता है। और तीसरा आप जैसे लोग समझदार जो रैली का हिस्सा हुए कि आप सुनने के लिए आए कि नेताजी क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहा, क्या सही है क्या गलत है, आपके पास सोचने समझने का शक्ति है साथियों। इसलिए साथियों आप सोचिए समझिए कि जो सरकार आपसे झूठ बोले वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता, जो आपको गुमराह करे वो सरकार कभी आपका अपना नहीं हो सकता साथियों। इसलिए साथियों आप 10 साल से देख रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन आगे बढ़ रहा है। इसलिए तमाम साथी से आग्रह है कि मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए, राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत कीजिए और बहन बीमा भारती को हाथ को मजबूत करके इसको चुनाव जिताइए, ताकि दिल्ली में हमारी सरकार बने। और दिल्ली में जब सरकार बनेगा तो लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा है कि हर गरीब किसान को सम्मान मिले, वो सम्मान के लिए हम लोग काम करने वाले साथियों। इसलिए तमाम यहां पे गठबंधन के साथी, समय आप लोगों के पास कम है, एक एक गांव में एक एक पंचायत में पहुंच जाइए, हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं आप सब याद किए हैं, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सब आप लोग मजबूती से एक एक गांव में निकलकर मजबूती से अपने गठबंधन के साथी को चुनाव जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहां पे सभी साथी को। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।